के तिलदा नेवरा से है, जहां बजरंग पावर इस्पात कंपनी में काम करते वक्त मजदूर पारस मणि की मौत हो गई थी। युवक की मौत के बाद परिजनों ने कंपनी से मुआवजे की मांग की, मगर कंपनी प्रबंधन से सहमति नहीं बन पाने के कारण परिवार वालों ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद क्रांति सेना ने परिवार और कंपनी प्रबंधन के बीच समझौता कराया। अब कंपनी मृतक के परिवार को 24 लाख रुपए का चेक, 1 लाख रुपए नकदी और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ये जो औद्योगिक प्रशासन है वो बात ना मानी से वो 25 लाख रुपया चेक में होकर माता के नाम, मृतक के महतारी के नाम चेक 25 लाख के दे के बात करी और साथे साथ परिवार के एक व्यक्ति ला नौकरी दे के बात में रजामंदी हो है। और जब उकर भाई जन छोटे है नाबालिग है, जिन दिन बालिक हो जाही तो बालिक होए के बाद उकर भाई ला यहाँ नौकरी दिए जाही, ये बात ला लेकर के और काफ़ी हमारे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के भाई बहनी मन है जोरदार आंदोलन करी से छत्तीसगढ़िया भाई के हक और अधिकार ला लेकर के रोवत महतारी के आंसू ला पोछे के काम करे है। मैं पता चली सब है कि पारस मणि यदु जो कि 19 साल के लड़का है वो गायब है घर से। बाद में पता चलते कि वो बोला मिशन अस्पताल तिलदा में रख दे गए है, मृत अवस्था में घोषित कर दे गए रिसे बाद ओकर परिवार वाले मन है हम आवेदन करी से भाई कि हमर मन के मदद करो करके। शुरुआत में 12 लाख दे के बात हो रही से भाई और कोई नौकरी नहीं कोई पेंशन नहीं की बात हो रही से भाई, लेकिन क्रांति सेना आज में बूता करी से भाई आंदोलन करे हन, रात भर जागे हन। ओकर बाद 25 लाख रुपये का नगद चेक और एक जन ओकर घर के सदस्य ला नौकरी दिलवा के काम करे हैं।